भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ के बारे में हर कोई हमेशा जानना चाहता है, और न जाने कितनी बार हमारे कमेंट बॉक्स पे ऐसी बातें आती हैं कि पवन सिंह की फैमिली से मिलवाइए, पवन सिंह के जो चहेते घर के मेंबर हैं उनसे मिलवाइए, लेकिन पवन सिंह के घर की जो औरतें हैं उनके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। पवन सिंह की एक बहुत बड़ी फैमिली है, उनकी बहन है, उनके भाई हैं, उनकी भाभियाँ हैं। आपको बता दें, पवन सिंह की जो बहुत चहेती भाभी है, जी हाँ, जो पवन सिंह के साथ मुंबई में उनके घर पर ही रहती हैं। पवन सिंह के एक भाई हमेशा उनके साथ रहते हैं, पवन सिंह के भतीजे भी इन दिनों मुंबई में ही हैं, पवन सिंह की मम्मी भी इन दिनों मुंबई में ही है, और मीडिया में एक फ़ोटो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और वो फ़ोटो हमारी स्क्रीन पे चल रही है, जहाँ पवन सिंह अपने भाभी के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दें, बहुत ही कम देखा गया है कि पवन सिंह अपने फैमिली मेम्बर के साथ कभी मीडिया के सामने आए हों या उनकी फ़ोटोज़ वायरल हुई हों। और उन्हीं में से कुछ एक चुनिंदा फ़ोटोज़ जब हाथ हमारे लग जाती है तो हमें लगता है कि पवन सिंह के फैंस को भी पता चलना चाहिए। आपको बता दें कि पवन सिंह की जो भाभी है उन्हीं की बहन थी नीलम। पवन सिंह की भाभी का नाम पूनम है और उनकी बहन का नाम था नीलम, जो कि पवन सिंह की दूसरी पत्नी थी, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी पवन सिंह के घर में ही। और उस मुश्किल घड़ी में इन्होंने, जो पवन सिंह की भाभी हैं, इन्होंने पवन सिंह का बहुत साथ दिया था। पवन सिंह जब से लंदन से आए तब से उनका कोई भी गाना नहीं आया, सिर्फ एक गाना कट, क्योंकि जब से पवन सिंह लंदन से आए उनके फैंस उनके गानों के लिए बेकरार थे। तो पवन सिंह ने एक नए साल पर एक गाना लेकर आए, छपरा से आवत डांसर। उस गाने ने जो तबाही मचाई है उसके लिए इतना कहेंगे कि पवन सिंह का एक गाना सभी पे भारी होता है। लेकिन फिलहाल आज हमारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह की फैमिली पर है, तो हम आपको ये बता दें कि पवन सिंह के घर में तीनों उनकी बहन भी आई हैं, माला नाम है उनका। वो सब इसलिए आए हुए हैं क्योंकि पवन सिंह का 5 तारीख को बर्थडे है, और आप सभी को पता है कि 5 जनवरी जो पवन सिंह के फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन है, उनके भगवान के लिए, क्योंकि पवन सिंह के फैंस उन्हें अपने गॉड ही मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। और ये सब कुछ उनके सेलिब्रेशन के लिए, इस 5 तारीख की सेलिब्रेशन के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। आप क्या कहेंगे इस मामले में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।